सबसे पहले क्या किया, बहुत सिंपल था, ए से शुरू करा, ए बी सी डी ई, पूरा ए से लेकर ई तक प्ले करेंगे और उसके बाद फिर वापस दो बार ए प्ले करेंगे, ए बी सी डी ई ए ए, ठीक, इसके बाद ई डी ई ए ए, ठीक। आज की आपकी रिक्वेस्ट बहुत ही स्पेशल है, फिलहाल टू मोहब्बत, इसका फर्स्ट पार्ट लास्ट ईयर जब आया था तो बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट रहा था, 1 बिलियन व्यूज इस पर आए हैं, तो सेकंड पार्ट से भी यही उम्मीद होगी सबकी। गाना बहुत ही खूबसूरत बनाया है और इस बार का एंटो बहुत ही खतरनाक है, पूरी टीम वही की वही है इसलिए गाना और भी प्यारा लगता है। तो चलिए सेकंड पार्ट भी सीख लिया जाए। फर्स्ट पार्ट का ट्यूटोरियल जिन लोगों ने नहीं सीखा है उनको ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में फर्स्ट पार्ट का सॉन्ग ट्यूटोरियल पियानो और हारमोनियम दोनों पर मिल जाएगा। तो चलिए इस सेकंड पार्ट को भी फर्स्ट पार्ट की तरह आसानी से सीख लिया जाए। वैसे ये गाना बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें सारे अंतरे सिखाने पड़ेंगे, तो इसलिए हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, या फिर देखेंगे ज़्यादा बड़ा हो रहा होगा तो दो भागों में फिर वीडियो को बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं इस हार्ट टचिंग सॉन्ग को। नमस्कार, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो चलिए शुरू करते हैं, इस दिल से छू लेने वाले गाने को हम सीखने वाले हैं मिडिल ऑक्टिव के ए नोट से। ये जो टोन सुनी आपने ये थी स्टेज पियानो और ये जो मॉडल है आपके सामने रखा हुआ ये है केसियो कंपनी का CTX 9000 IN। तो गाना जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, इसके अंतरे भी अलग हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग वाला म्यूजिक है पहले उसको सीख लेते हैं। पहले मैं एक पार्ट आपको प्ले करके दिखाता हूँ, फिर उस पार्ट को स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ आपको सिखाता चलूँगा। देखिए, ठीक है, इस तरह से प्ले करना है। अब इसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, बहुत सिंपल था, ए से शुरू करा, ए बी सी डी ई, पूरा ए से लेकर ई तक प्ले करेंगे और उसके बाद फिर वापस दो बार ए प्ले करेंगे, ठीक, ए बी सी डी ई ए ए, ठीक, इसके बाद ई डी ई ए ए, ठीक, और इसके बाद क्या किया, जी जी एफ एफ ई एफ, ठीक। तो एक बार सिंगल फिंगर से कंटिन्यू देखिए, ठीक। अब यही चीज जो हमने ए नोट से सीखी यही सारी चीज हम जी नोट से भी प्ले करेंगे, सेम टू सेम जो भी हमने सीखा उसको बस हमें जी नोट से प्ले करना है। देखिए एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, ठीक वही था, सेम टू सेम। देखिए इसको भी फटाफट जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि गाना बहुत बड़ा है तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, हमें जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जी ए बी सी डी जी जी, ठीक, इसके बाद डी सी डी जी जी, ठीक, और इसके बाद एफ एफ ई ई डी ई, ठीक। अब इसके बाद आता है अलाप, तो अलाप के लिए अब इस्तेमाल करेंगे हम हारमोनियम की टोन, ठीक है। तो अलाप किस तरह से प्ले होता है पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं। तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं, सबसे पहले क्या किया, स्लो देखिए इसको सिंगल फिंगर से, ठीक है। इसके बाद इसको रिपीट करना है इस लाइन को, ठीक। अब इसके बाद क्या किया, ठीक, और लास्ट में क्या किया, F A G F E, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये जो हमने सीखा अभी तक इसको हम करेंगे रिपीट। रिपीट जब हम करेंगे तो जो लास्ट लाइन थी इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इस तरीके से आपको प्ले करना है, थोड़ा सा बस अंतर हो गया,
बस लास्ट वाली जो लाइन थी उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज किया, धुन तो सेम है, तो स्क्रीन पर आपको नोटेशन दिखाई दे रहे होंगे और किस तरह से प्ले करना है ये मैंने बता दिया है। एक बार स्लो देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से आपको प्ले करना है। चलिए अब शुरू होता है गाना। गाने की जो पहली लाइन है वो है, एक बात बताओ तो यादों में मरते हो। देखिए ए नोट से शुरू होगी, इस तरह से प्ले करना है। अब इसको धीरे धीरे देखिए, एक बात बताओ तो यादों में मरते हो। यादों, देखिए यादों, ए जी एफ, यादों में मरते हो पे ध्यान दीजिए, हो ओ की मात्रा, फिर जी पर आके हल्का सा टच, हो इस तरीके से, ठीक है। तो सिंगल फिंगर से देखिए इस लाइन को कंटिन्यू, एक बात बताओ तो यादों में मरते हो। ठीक, अब इसके बाद लाइन है, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो। देखिए ठीक है, देखिए, क्या तुम हमसे अब भी आप मोहब्बत करते हो पे ध्यान दिया ई और हल्का सा जी को टच किया, जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो सिर्फ यहां तक प्ले कर सकते हो, मोहब्बत करते हो, ठीक है। फिर से देखिए सिंगल फिंगर से कंटिन्यू, ठीक है, ऐसे ही प्ले कर सकते हैं आप। अब इसके बाद लाइन है, एक बात बताओ तो यादों में मरते हो, ये लाइन वही की वही रिपीट करनी है। ठीक है, अब इसके बाद है, क्या तुम हमसे अब भी, ये भी वही लाइन रिपीट करनी है। ठीक, अब इसके बाद मोहब्बत करते जो है ये चेंज हो गई है, मोहब्बत करते हो, अब इस लाइन को देख लीजिए ये अलग है, ठीक है, मोहब्बत करते हो ये चेंज हो गई। देखिए मोहब्बत करते हो, ठीक, तो रिपीट करेंगे लास्ट में जो है मोहब्बत करते हो, यहां पर बस चेंज कर देना है। अब इसके बाद लाइन है, तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना। तो पहले देखिए, तुम जिनके हो अभी, इतना देखिए, तुम जिनके हो अभी, ठीक, अब इसके बाद उनके बारे बताना, देखिए उनके बारे बताना, ठीक, इसके बाद क्या आता है उनको तुम्हें चुप कराना। तो पहले देखिए, क्या आता है उनको, ये बिल्कुल सेम वही की वही है, तुम जिनके हो अभी, ठीक है, सेम वही की वही है। देखिए क्या आता है उनको, इसके बाद तुम्हें चुप कराना, देखिए तुम्हें चुप कराना, ठीक। अब इसके बाद लाइन है, जानीने रो रो के, इसको देखिए, तो सेम वही है जो स्टार्टिंग में हमने सीखी थी, एक बात बताओ तो, सेम वही है, जानी ने रो रो के, ठीक है, इसके बाद समुंदर भर दिए, ठीक है। तो कैसे प्ले होगा, सेम वही है, यादों में मरते हो, सेम वही है, समुंदर समुंदर भर दिए,
और चाहो तो लास्ट में जी नोट टच कर सकते हो ऐसे, और नहीं होता तो सिर्फ सिंपल रखो दिए दी ये समुंदर भर दिए। ठीक, और इसके बाद है क्या तुम भी रो रो के, तो ये तो वही है जो इससे पहले हमने सीखी थी, क्या तुम हमसे अब भी, सेम टू सेम वही है, क्या तुम भी रो रो के। इसके बाद नदियां भरते हो, वही है सेम टू सेम मोहब्बत करते हो। ठीक है, देखिए नदियां भरते हो। ठीक, और इसके बाद वही शुरू की लाइन रिपीट करनी है, एक बात बताओ तो यादों में मरते हो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो। ठीक, और उसके बाद फिर अलाप होगा, वही जो हमने पहले सीखा था उस अलाप को फिर से रिपीट करना है। और अब आ जाते हैं अंतरे की तरफ।